कई दफ़ा सीबीआई अपने स्तर से मैंने छापा मारने का काम किया है, लेकिन आज तक एक कौड़ी भाव का भी कुछ नहीं मिल सका। केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो आज ये इतने लंबे अवधि के बाद जांच करना एक बड़ी साजिश है और आज भी कहीं कुछ नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल डेमोरलाइज करने का जो प्रक्रिया है वही आज दिख रहा है और इसके अलावा कहीं कुछ। पर आज हमारे नेता बिहार के युवाओं के आइकॉन और देश के प्रतिनिधि करने के लिए लंदन में हैं और आज इस परिस्थिति में यहाँ छापा मारना एक बड़ी साजिश है। आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। जैसा कि अभी हम राबड़ी देवी के आवास पर हैं, जहां सुबह 6:30 बजे से सीबीआई की रेड पड़ी है। दो घंटे के बाद सीबीआई की टीम अंदर पहुंची। जब ये लोग सोए थे तभी से सीबीआई यहां पर पहुंची हुई थी और अभी तक लगातार कर्जकर्ताओं का भीड़ बना हुआ है। अभी हम राजद के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी से मिलते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, ये जो सीबीआई की रेड पड़ी है इस पर आपकी क्या राय है? आज यह सीबीआई की जो रेड पड़ रही है ये बिल्कुल बड़ी साजिश है केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है कि माननीय नेता श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री रहे और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि देश में कई ऐसे उनके बाद 2009 के बाद रेल मंत्री बनने का काम किया। तो आज ये इतने लंबे अवधि के बाद जांच करना एक बड़ी साजिश है। निश्चित तौर पर आज हमारे नेता बिहार के युवाओं के आइकॉन और देश के प्रतिनिधि करने के लिए लंदन में हैं और आज इस परिस्थिति में यहाँ छापा मारना एक बड़ी साजिश है। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं ये 4 से 9 मतलब पिछले 13 साल पहले ये रेल मंत्री थे और आज छापा पड़ रहा है और यहाँ पर तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव नहीं है और तब छापा पड़ रहा है, तो इसमें क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर लालू जी 2004 से 9 तक मंत्री रहे हैं और उसके बाद जो कई रेल मंत्री रहे उसकी जांच नहीं हो रही है, लेकिन 2009 में जो रेल मंत्री रहे उसकी आज जाँच हो रही है। यह निश्चित तौर पर साजिश है और बिहार में आम जो गरीब गुड़वा है उसको आज यह पीड़ा हो रहा है जिस तरह की यह घटनाक्रम आज मोदी सरकार ने करने का काम। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि सभी को पीड़ा हो रहा है, मतलब जितने राजद कार्यकर्ता हैं या फिर राजद के प्रति जिनकी रुझान है सब इस बात को लेकर सदमे में है कि नहीं ये गलत है, जब प्रतिपक्ष के नेता यहाँ मौजूद नहीं है तब ये छापा डालना गलत है। अच्छा सर, इस पे क्या लगता है आपको, जैसे ये जो सीबीआई की कार्रवाई हुई है क्या सीबीआई को कुछ हाथ लगने वाली है या फिर? कहीं कुछ हाथ लगने वाली नहीं है। इसके पहले भी कई दफ़ा सीबीआई अपने स्तर से मैंने छापा मारने का काम किया है, लेकिन आज तक एक कौड़ी भाव का भी कुछ नहीं मिल सका और आज भी कहीं कुछ नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल डेमोरलाइज करने का जो प्रक्रिया है वही आज दिख रहा है और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। जैसा कि इन्होंने बताया कि सीबीआई पहले भी कई दफ़ा जांच कर चुकी है जिसमें उसको कुछ हाथ नहीं लगा है और आज भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, सिर्फ ये राजद को डिमोरलाइज करने के लिए हो रहा है।